अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज का जो ये व्लॉग है तो ये होम डेकोर से रिलेटेड है एंड क्रॉकरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर होम डेकोर की बहुत यूनिक स्टाइल में और बहुत डिफरेंट डिज़ाइन में यहाँ पर इनका फर्नीचर रखा हुआ था और भी बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल थे एंड क्रॉकरी में बहुत यूनिक स्टाइल में एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली स्टाइल में यहाँ पर इनकी क्रॉकरीज अवेलेबल थी। एंड यहाँ पर होम डेकोर का बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल था। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का इतना यूनिक स्टाइल में इनका कलेक्शन देखा हुआ था। तो इससे पहले मैं कई बार मैंने यहाँ के चक्कर लगाए हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मुझे कलेक्शन दिखा, बट इस बार जो इनका कलेक्शन आया हुआ है होम डेकोर से रिलेटेड एंड क्रॉकरी से रिलेटेड, तो वो बहुत अच्छा आया है। एंड जितने भी यहाँ पर ये सारे होम डेकोर से रिलेटेड आइटम्स यहाँ पर लगे हुए हैं एंड क्रॉकरी से रिलेटेड जो भी आइटम्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इनके प्राइस बहुत हाई लेवल पे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस थे। होम डेकोर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आइटम्स लगे हुए थे, जैसे कि ये कंफर्टर्स है, पिलोज़ है, सोफ़ाज़ हैं एंड बेडशीट्स हैं, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एंड ये मेड इन टर्की थे, मेड इन ताइवान थे, मेड इन सऊदी अरेबिया थे। सो जो भी ये मेड इन टर्की है या ताइवान है, सऊदी अरेबिया है, तो इस तरह के जो भी ब्रांड्स होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एंड अभी मेड इन चाइना भी जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर कर दिए हैं। एंड जितने भी यहाँ पर आइटम्स ये लगे हुए थे, जैसे कि ये पिलोज़ है एंड सिंगल कंफर्टर है या सिंगल ब्लैंकेट है या इस तरह के जो भी होम डेकोर से रिलेटेड आइटम्स यहाँ पर लगे हुए थे, तो सारे सबके प्राइस जो है ना वो अलग अलग मेंशन थे और बहुत हाई लेवल में प्राइजेस थे। एंड जितने भी यहाँ पर सोफ़ाज़ के कलेक्शन थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत डिफरेंट डिज़ाइन में थे एंड बहुत डिफरेंट लुक में यहाँ पर सोफ़ाज़ के कलेक्शन लगे हुए थे। और जो इनके कलर थे ना तो वो बहुत लाइट कलर थे और लाइट शेडेड तो वैसे भी हमेशा ब्राइट ही होते हैं। बाकी ये यहाँ पर इनके बहुत डिफरेंट लुक में एंड बहुत डिफरेंट डिज़ाइन में ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टेबल्स यहाँ पर रखे हुए थे और सोफ़ास के टेबल्स भी यहाँ पर रखे हुए थे और इसके बिहाफ में अलग से भी ये इस तरह के शॉर्ट टेबल्स भी रखे हुए थे। एंड जितने भी ये शॉर्ट टेबल्स थे तो इनका मोर देन कलेक्शन था एंड मोर देन वैरायटी थी, मोर देन कलर था। बहुत यूनिक स्टाइल में इनके शॉर्ट टेबल्स यहाँ पर अवेलेबल थे। आई थिंक मुझे लगता है कि इस तरह के होम डेकोर पर आने के बाद आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ है ना तो वो सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनका इतना अच्छा कलेक्शन होता है, मतलब इतना डिफरेंट कलेक्शन होता है ना यहाँ पर कि आप जो भी सोच कर आते हो ना अपने माइंड में, तो सभी जो है ना वो इसके आगे फ्लॉप हो जाता है। और इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन में एंड डिफरेंट लुक में बहुत सारे आइटम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड जो लोग भी अपना न्यूली घर सेट करना चाहते हैं तो उनके लिए इससे अच्छा एंड इससे बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता है। आप होम सेंटर आएँ और यहाँ पर आपको बहुत सारे आइटम्स ईजिली यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं, बट यहाँ पर इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इनके सेल प्राइस भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके सेल प्राइस नहीं आते हैं, मैंने बहुत दफ़ा यहाँ के चक्कर लगाए हैं और मैंने विजिट किया है तो इनके सेल प्राइस भी आते हैं, बट जो सेल प्राइस होते हैं ना तो वो भी इतने रीजनेबल नहीं होते हैं कि आप इजीली इनको यहाँ से ले सकते हो। और जब भी मैं इस होम सेंटर पे आई हूँ, मैंने यहाँ का विजिट किया है, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी रश नहीं मिला है, बहुत कम रश देखने को मिला है। इवन कि मैं अगर वीकेंड में भी आई हूँ ना तो यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप एक कैंडल्स भी लेंगे ना तो उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर वो सेल प्राइस पर भी रखते हैं ना तो 79 और 89 इस तरह का आपको एक कैंडल्स पड़ता है, बाकी आइटम्स तो आप हटा ही दो। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी एक हर एक आइटम्स के यहाँ पर क्या प्राइसेस होंगे, क्या प्राइसेस मेंशन होंगे। आई थिंक इसीलिए इस स्टोर पर बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है और इनके सेल भी नहीं होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है जब भी मैं आई हूँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं कि आपको रीजनेबल प्राइस में भी बहुत सारे आइटम्स आपको ईजिली आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। बट ये जो होम सेंटर है ना, तो यहाँ पर सारी चीज़ों के, सारे आइटम्स के जो भी प्राइजेस ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट ये जो होम सेंटर है और यहाँ पर जितने भी इनके होम सेंटर से एंड होम डेकोर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर इनके आइटम्स हैं एंड क्रॉकरी से रिलेटेड जो भी इनके यहाँ पर आइटम्स हैं ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेड हैं सारे एंड बहुत डिफरेंट डिज़ाइन में है, बहुत डिफरेंट लुक में है, जैसे कि आप सबको वीडियोज़ में दिख रहा होगा। एंड इनका ये जो होम सेंटर बना है, जितनी भी ये क्रॉकरी से रिलेटेड जो भी क्रॉकरी इनकी रखी है या एंड होम सेंटर से, होम डेकोर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आइटम्स अवेलेबल हैं, तो ये बहुत बिग एरिया में बना है। मैं पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाई एंड मैं सारे वीडियोस भी कैप्चर नहीं कर पाई, बट जितना मुझसे हो सका मैंने वीडियोज़ बना लिए थे। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी जाऊँगी तो जो भी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, जो भी मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, तो आगे मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और यहाँ पर इन्होंने पूरी सेटिंग चेंज करके रखी हुई थी, और आई थिंक इनका बहुत ज़्यादा न्यूली कलेक्शन हर एक आइटम्स पर आया हुआ था, तो पूरा एक्सप्लोर करना तो पॉसिबल नहीं था फर्स्ट टाइम में, तो मैंने कहा जितना एक्सप्लोर होता है मैं कर लेती हूँ। बाकी बहुत सारे आइटम रह गए हैं होम डेकोर से रिलेटेड एंड क्रॉकरी से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें रह गई थी मुझे एक्सप्लोर करने के लिए। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं भी देख पाई क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं विज़िट करूँगी। एंड जो ये कैटल्स रखे हुए थे तो मुझे बहुत प्यारे कैटल्स लग रहे थे, बहुत कलरफुल थे, और इनका जो कलर है ना तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत डिफरेंट लगा मुझे, फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह के कैटल्स देखे थे। और ये कप एंड सॉसर के सारे सेट रखे थे, बहुत लाइट शेडेड में थे, बहुत प्यारे लग रहे थे ये सारे सेट। एंड जो ये कैटल्स हैं तो इनका प्राइस था इस तरह से, कुछ इनके प्राइस मेंशन थे सिंगल कैटल्स पे 150 रियाल इस तरह से एक पीस था कैटल्स का। बाकी ये जो कप एंड सॉसर के जो सेट रखे हुए थे ना तो इनके प्राइस ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 200 रियाल समथिंग इस तरह से कुछ इनका एक सेट पड़ रहा था। यहाँ पर आपको हर एक आइटम ईजिली अवेलेबल मिलेंगे, चाहे आपको कप एंड सॉसर लेना हो उसका सेट लेना हो, या आपको डिनर सेट लेना हो, इसके अलावा आपको कैटल्स लेने हो या सिंगल प्लेट्स लेनी हो या ग्लासेस लेने हो, आपको मतलब कुछ भी अगर लेना हो एक्स वाई जेड, आपको सभी कुछ यहाँ पर ईजिली अवेलेबल मिलेगा। एंड मोर देन वैरायटी मिलेगी, मोर देन यहाँ पर आपको कलेक्शन मिलेगा। जैसे कि आपको ग्लासेस दिख रहे हैं, इतने ब्यूटिफुली ये ग्लासेस थे, और जितने भी ये ग्लासेस थे ना तो इनके मोर देन कलेक्शन यहाँ पर लगे थे। एंड ये जो होम सेंटर का शोरूम है तो ये उथेम मॉल में अवेलेबल है, और जो लोग भी दमाम में रहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा, उन्हें लोकेशन भी पता होगी कि उथेम मॉल कहाँ पर है। एंड जिसे भी विजिट करना है या अपने किचन से रिलेटेड या होम से रिलेटेड आपको जो भी आइटम्स लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पर इनका बहुत अच्छा कलेक्शन आया है एंड न्यूली कलेक्शन आया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इस सेंटर में मुझे सबसे अच्छी बात है कि ये भी लगे कि अगर आप पूरा सेट नहीं लेने चाहते हैं, अगर आप 6 पीस का सेट नहीं लेना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल भी यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स लगे हैं। जैसे कि अगर आपको एक कॉफ़ी कप्स लेना है तो अगर आप उसका पूरा सेट नहीं लेना चाहते हैं तो उसका सिंगल कप भी लगा है, तो वो भी आप उसे बाय कर सकते हैं। बाकी जो लोग सिंगल प्लेट्स भी लेना चाहते हैं तो वो सिंगल प्लेट्स का उन्होंने एक अलग से रैक्स बनाया है, वहाँ पर उनका मोर देन कलेक्शन है सारी सिंगल प्लेट्स का, तो आप इजीली वहाँ से सिंगल प्लेट्स भी बाय कर सकते हैं। सो ये था होम डेकोर से रिलेटेड एंड क्रॉकरी से रिलेटेड वीडियो। आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।